कानपुर गांव के रहने वाले सपा जिला अध्यक्ष युवराज सिंह यादव व उनके 13 कॉलेजों में कार्यरत 12 साथियों पर सन 2002 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में से दिए जाने वाले छात्रवृत्ति में 22 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप है। इसकी जांच कानपुर के ईओडब्ल्यू शाखा कर रही थी और ईओडब्ल्यू द्वारा थाने पर आरोपी अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी की तहरीर दी गई। पुलिस द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार कराने के लिए अभियुक्तों के घरों में पर माइक के जरिए मुनादी करवाई गई और जल्द से जल्द समर्पण करने को लोगों को थाने पर इन लोगों की सूचना देने की बात कही जा रही है। इस मामले में हाथरस के पूर्व जिला अल्पसंख्यक समाज कल्याण अधिकारी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है।